एक और मोस्ट ऑफ असेंबली की वीडियो में आपका स्वागत है। और पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आयरन का आर्मर बना लिया था और एक टीम बनाई थी जिसमें मैं, एके और डेविल तीनों थे, और उस अगले वाली टीम जिसका लीडर एक्सबोवी था उसमें पीएन राकेश और एक्सबोवी दोनों थे। तो अभी हमारी टीम में सारे प्लेयर्स हैं और उसकी टीम में केवल राकेश है। यहाँ पर एके और कुछ प्लेयर्स मिलकर ट्रैप बनाते हैं जिसमें मेरे को कहा जाता है कि नॉट गेमर को डालो, तो मैं नॉट गेमर को बुला के लाता हूँ और ट्रैप के पास ले जाता। यहाँ पर ये आ चुका है नॉट गेमर। ओ भाई साहब गया, भाई साहब गया, देखो गाइस। इसके बाद एके कोर्ट बनाता है, तो कोर्ट में पहली चीज क्या करे तो हम डिसाइड करते हैं कि जज का चुनाव रखते हैं। तो एके हमको बुलाता है और फिर हमारे साथ कुछ ये होता है। सुनो तो गाइस, आज हम इसीलिए हुए कि आज हम बनाने वाले जज बनाने वाले, जैसे कि मजिस्ट्रेट। तो उसके लिए हमें दो बंदे चाहिए, मतलब दो खड़े हो सकते हैं, दो ही बंदे। तो कौन खड़ा होना चाहिए? अबे नीचे, उधर ही। अबे रुका, साला दो जने चाहिए। सुनो, बैठो उधर जाके। इस बंदे की शक्ल आपको भोली बाली लग रही होगी, लेकिन ये बंदा कुछ ऐसा कांड करता है जिसकी वजह से हमको इसको बाद में बैन देना पड़ता है। अबे तेरी मां की, बैठ। अबे तू भी बैठ। अरे बस सुन तो लो, गधो पूरी बात सुन लो। मैं खड़ा हो रहा हूँ। रुक जाओ, अबे सारे बैठो। ओए मैं खड़ा हो रहा हूँ इधर। चल एक साइड पे ये खड़ा हो रहा है, ठीक है? नहीं नहीं, अबे तू नीचे उतर। अनिल ओए नॉट गेमर नीचे उतर। अनिल नॉट गेमर नीचे उतरो। तुम उतर गया, मैं तो नीचे ही। तू भी उतर। अच्छा तुम दोनों खड़े हो रहे हो, ठीक है? ज्यादा सीरियस बंदा है। तू रुक जा, बैठ जा चुपचाप। अभी सुनो, ये दोनों खड़े हो रहे हैं, तो जो भी एक्सबोवी की पक्ष में वो उस कटघरे में जाके खड़े हो जाओ, जो भी करने की साइड है वो इसमें खड़े हो जाओ। यहाँ पर सारे प्लेयर्स मेरी टीम में आ जाते हैं क्योंकि एक्सबोवी को कोई जानता नहीं था, तो इसलिए अनिल को हमने उसकी टीम में भेजा। मैंने कहा था ना बैन होगा, हो गया। फूल से पहला किसी का घर नहीं तोड़ना है और अगर किसी से गलती से घर के पास क्रीपर फूट जाता है तो फोड़ेगा वही रिपेयर करेगा। दूसरा, और हाँ स्पॉन पर भी कोई किसी और अगर किसी ने पहले हिट मार दिया तो दूसरा उसको मार सकता है। सब रुक जाओ, सबको स्पॉन पर एक हाउस तो बनाना ही है। हाउस स्पॉन पे हाउस होना चाहिए तेरे बोबी, तेरा हाउस किधर? अभी और कुछ याद नहीं आ रहा आगे तो लिख। तो इसी बीच एक घटना होती है, एके और हम दोनों माइनिंग पे जाते हैं, तभी एक्सबोवी आके हमको पेलता है। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हम दोनों को पेल डालता है। उससे बदला लेने के लिए हम कुछ ये प्लानिंग बनाते हैं। सो गाइस, तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं एक्सबोवी को पेलने के लिए, और एक्स लेजेंड इसको लेके आएगा और मैं यहाँ पर कहीं पर खड्डा खोद के बैठ जाता हूँ क्योंकि इसी का बेस का रास्ता है इधर की तरफ। तो मैं यहीं पर खड्डा खोद के कहीं बैठ रहता हूँ, वहाँ पर नीचे बैठ जाता हूँ। यहाँ पर खड्डा खोद देते हैं जल्दी से, अंदर बैठते हैं। ओए शुभम लेके आ एक्सबोवी को। बाहर आए गाइस, शुभम तो आ गया, एक्सबोवी इसके पीछे आना चाहिए। आ गया गाइस, एक्सबोवी आ गया। भाई साहब बाहर निकल, बाहर निकल, जल्दी से जल्दी निकल भाई साहब। पेल आइए भाई साहब, मार इसको भैंस की टांग, इसकी मार। अबे यार ये पानी, भैंस की टांग, जल्दी। एक आ जा, एक इधर आ, एक फटाफटा। ओ भाई मार। अबे मार, ओ भाई साहब मर चुका है भाई फाइनली ये। इसके बाद राकेश एक अपना स्पॉन पे बिल्ड बनाता है खतरनाक वाला टावर, तो उसके लिए हम सारे मजदूरी पर लग जाते हैं। गाइस डेविल पता नहीं कहाँ ले जा रहा है भाई, इसके पीछे पीछे चलते हैं भाई साहब। ओए चलना साले कुत्ते, चल भाई, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है यार, इसको क्या काम है भाई? ये कौन देख रहे हैं हमको भाई? ये देख रहे थे डेविल मेरे को अगली टीम वालों के लिए बनाए गए ट्रैप के पास ले जा रहा था, लेकिन मैंने गधों की तरह वहाँ पर एंडर पल फेंकी और एक बंदा मेरे को देखने लगा क्योंकि उनकी टीम में था, तो मेरी वजह से ट्रैप का तो पता चल गया। भाई क्या खतरनाक ट्रैप बनाया भाई, कितना गहरा है। ओए तेरी तेज, मैं यहाँ पर घूम के क्या आते हैं भाई साहब। ट्रैप का जो पता चला था ना, तो पूरे ट्रैप को इन्होंने भाई साहब पूरा ही तोड़ डाला भाई, बिल्कुल ही नहीं रखा। जब मैं एक्सपोज से लड़के आ रहा था तो मैं इनविजिबल था, तो डेविल को मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। उसको लगा कि मैं ओपोनेंट और वो मेरे को धोने लग जाता है, तो मैं बुझाता हूँ आग। मेरे को लगा इसको पता चल जाएगा, पर इसको फिर भी पता नहीं चला। मैंने मना किया फिर भी ये मेरे को मारने लग गया, तो इसने मारते मेरे को भाई एके ने भी मारना शुरू कर दिया। तो भाई मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ थोड़ी देर की, मारेगा कि नहीं मारेगा। इसने मारा, मैं भी बाहर निकल चुका था। मैं कुछ नेदर में जरूरी काम के कारण भटकता फिरता हूँ। फाइनली भाई साहब फोर्ट्रेस मिल चुकी है, तो मैं एक
डेविल चचा मेरे को सारे विदर स्केलेटन के हेड पकड़ाते और हम पोर्टल बना के यहाँ से बाहर निकल जाते। बाहर निकलने के बाद हम एक खतरनाक जगह पर यानी कि एक आइलैंड पर स्पॉन होते हैं। तो हमको पता चल चुका था कि विदर को मारने के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। हम दोनों तो बाहर आ चुके थे पर एक के बाहर नहीं आया था, तो एक को लेने के लिए मैं वापस से नेदर में आता हूँ और वापस से बाहर जाता हूँ। 3, 2 एंड भाई साहब एंटर टेबल कर लेता हूँ और ये बेकाय लगा 1 भाई साहब दूर भाई मैं मारता हूँ इसको मार दूंगा दूर अबे दूर हटो लास्ट में फूटेगा भाई हटना क्या हो रहा है इस कैरेक्टर के भाई हटा अबे दूर हट जाओ तुम सालो हट जाओ भाई साहब फूट चुका है। तो गाइस अभी आप फाइट एंजॉय करो भाई ये नीचे उतर चुका है तलवार से पीटो इसको पीटो भाई पीटो 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 पीटो। इधर को मारने के बाद हम बीकन बनाते हैं और बीकन बनाने के बाद डेविल और एके दोनों जाते हैं और उनकी बसंती पर कब्जा करते हैं। तो अभी उनकी बसंती हमारे कब्जे में है। तो आज की इस वाली वीडियो में भी इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।